हमारे नौजवान नेता यहाँ बैठे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भूखे प्यासे रहते हैं, वो धूप छाल नहीं देखते, वो आंधी तूफान नहीं देखते, वो बारिश नहीं देखते और वो सूरज की गर्मी से भी नहीं डरते, वो सूरज की गर्मी का भी डटकर मुकाबला करते हैं मैदान में खड़े होकर। मैं उनके साहस का धन्यवाद करता हूं। हमारी पहली मांग यहां की सरकार से, देखो भाई आप कान खोल के सुनो, मेरा मानना है मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। याद दिलाता हूं इतिहास, ये चौसा का की धरती, ये बक्सर की धरती, युद्ध हुआ पहले राज युद्ध होते थे, तलवार भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी, लाठियां चलती थी और तब जाके कत्ल होते थे, रक्त रंजित हो जाती थी भूमि, तब जाके राज बदलते थे। बिहार की धरती ने तो देखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने चार चार बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट की ताकत दी और उन्होंने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा, हर व्यक्ति को बालिग व्यक्ति को वोट देके गए, भारत में वोट आपका ज्यादा है, राजा का होना चाहिए था, वोट आपका ज्यादा है लेकिन गुलामी आपके ऊपर ज्यादा भारी है, सारे अधिकारों से आप वंचित है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मांगने से सिर्फ भीख मिलेगी, अधिकार चाहिए।